राम राम जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, और सब कैसे हो, आशा करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका सोनी धर्मेंद्र ब्लॉग यूट्यूब चैनल में। दोस्तों अभी है अपनी बुआ के घर पे, देखो ये हमारी बुआ। हाँ राम राम कर लो बुआ। राम राम। राम राम। कुआ जी ना पहचाने जो सब है जी, वीडियो देखिए भाई, आशीर्वाद दे दो जो खुशी रहो। आशीर्वाद मिल गया, बुआ समझ रही है कि किसी से वीडियो कॉल पे बात करवा रहे हैं, बस ऐसा सोच रही है। आशीर्वाद भी मिल गया देखो। और ये सुबह सुबह किस बात पे झगड़ा कर रहे हैं पता नहीं है। अब इनके लिए नाश्ता आ गया है भाभी, ये नाश्ता आ गया इनके लिए, बेलपुरी है इनके लिए। ये हमारी भाभी जी है चौहानपुरा वाली, ये हमारी बुआ जी हैं। अभी रहना वाली माता यहाँ से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूरी पर, 1 किलोमीटर की दूरी पर है। और हमारी ताई जी चाय वगैरह बनाने में लगी हुई है अभी। राम 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 राम। और विवेक भी जाग गया, और बच्चे बस अभी सुबह सुबह घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, धूप का आनंद ले रही हमारे अंकल जी है। बस राम राम। हाँ और देखो गांव की हरियाली कितनी बढ़िया है, और राम राम कर रहे हैं सोनी के भाई। अभी सरसों भी पकने वाली है, बस ये 5-6 दिन और लेंगी, बस उसके बाद में काटने का नंबर लगेगा इन सरसों में। लहंगा जी क्या हाल है? हेलो तेरी क्या परेशान मत करे, और बात बिर के बोकरा थे बोकैया है बोकरा। चले दोस्तों अभी हम अंजू हाँ पूरी है गई पूरे खिलगोते मुड़ा पे है। अभी हम चलते हैं दोस्तों घर पे, अभी बुआ के घर पे सो गए थे उधर, और सोनी दरी रही थी शादी वाले घर पे। ओ पोला ले ली बेटा, पोला ली मैं ले, चल मैं दे रहा हूँ, चल पोला ले ली, ले पोला खा ली, पोला चीज ले ली, चीज चीज हाँ ले 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 ले, पकड़ 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 पकड़। ठंडा लग जाएगी घर तो बन रहा हो तुम्हारे आशीर्वाद से। ले ले बुआ पैसा, ओ बुआ पैसा दे रही, पैसा ले ले पैसा दे रही बुआ। देखो हमारी बुआ ले आई खींच के तीनों को, चलो जा रहे हो वहीं से। हमारी दीदी आई बहुत दिनों बाद, इसीलिए मैंने कि चलो आपको बुआ के घर पे भी घुमा के लाई, ये हमारे ताऊजी हैं, मैंने कि आए हैं तो सबसे मुलाकात करें, फिर तो घर पे जाना ही है। ताई ना जानते जी जी है जानती हूं। हाँ उनको बहुत खुशी होती है जब मिलते हैं, बहुत दिनों बाद मिले आज। कहे ले चल बोकरन ने कहा मान देगो। चलिए दोस्तों अभी हम चलते हैं घर पे, काफी टाइम हो गया यहाँ भी हमको, चलो अभी सबका आशीर्वाद ले लिया। अभी हम आ गए दोस्तों जाटोली पे, और यहाँ से ले रहे हैं थोड़ी साग सब्जी, आलू वगैरह टमाटर वगैरह ले लेते हैं, क्योंकि बैंगन वगैरह तो पापा जी लेकर आए थे, आलू टमाटर डाल डाल के बनाएंगे। और विवेक नाश्ता पानी करेगा। दोस्तों अभी आ गए हम घर पे, मम्मी जी कपड़े वगैरह धो रही हैं, अभी नाना धोना चल रहा है। सोनी की भैया भाभी भी आ गई, राजकुमार वो आ गया, ओ लाली को लेके पहले ही है, कहा खा रही है बिचकुट है, हमने भूख लग रही, दे दो लाओ, आओ खा लो खा लो खा लो खा लो खा लो। अभी खाना खाते हैं दोस्तों, मैं सोनी अभी खाना बना रही है। दोस्तों इस झोंपड़ी में लग रही है गर्मी अभी यहाँ पे, तो इन दोनों को ही रहने दो, इसकी भाभी बैठी है और सोनी है। अभी सोनी क्या है ना, थोड़ा बहुत वो खिचड़ी बना रही है, पापा जी का पेट थोड़ा ख़राब सा हो गया है, हमने ले लिया तकिया पानी की बोतल, और हम चल रहे हैं अपने नए घर में, बस वहीं पे अपना काम करेंगे, वीडियो एडिटिंग और आराम भी करेंगे थोड़ा बहुत। अभी जीना ऐसा ही है, थोड़ा संभल के उतर जाएंगे आराम से, ये आराम से उतर के
देखो मैंने इधर खटिया ला के रख दिया है अंदर। अभी यहाँ से इन बल्लियों के बीच में ये बिछ गई खटिया, बस यहीं पे थोड़ा आराम करते हैं। जय राम जी की। अभी ये तो चल दिए, अंजू ने बहुत कोशिश की रोकने की, लेकिन घर पे वो है ना भैंस वगैरह, तो उनको चारा डालना, दूध काटना, उसकी दिक्कत है, इसलिए जाना पड़ेगा। छोटू कल चम्बला पे होके जाएंगे यहाँ 3 बजे, चम्बला पे होके जाएंगे। अच्छा तो मेहमान ना ने कह रहे तो मम्मी देख लटक रहा, माई लटक के राम राम जाओ ले, तेरे फेवरेट लेके आया हूँ, ऐसा स्वाद हो इनको जिस तू पसंद है। दोस्तों अभी शाम का खाना खा रहे हैं, और जब इसके भाई भैया चले गए दोनों, जब से फिर हम सो गए थे, तो वहाँ पर शादी में गए थे, वहाँ पे जागते जागते पूरी रात निकल गई, बस 2 घंटे सोए थे, तो नींद भरी थी आंखों में। अभी यहाँ मत कहो हम सो गए थे, मैं सो गया था। तो मैं तो सोएगा, दोनों सोए, हम तो सोए ना, हम तो कपड़ा नहीं, सोनी ने बहुत काम किया, जो कपड़े वगैरह थे गंदे हो गए थे वो धोए, अभी इसकी आंखों में नींद भरी है, बस खाना पीना खा रहे हैं, खाना पीना खा के बस सोएंगे आराम से। आज का ब्लॉग भी नहीं अपलोड हो पाया, अब कल करेंगे। कहीं जाते हैं तो थोड़ा रोटेशन बिगड़ जाता है। देखो आज चटनी से खा रहे हैं, और काफी स्वादिष्ट चटनी बनाई है, चटनी लाल मिर्ची की। चटनी से खाना करने क्यों, वो बादी होती है ना चिकनो खाते हैं, बहुत चट जाती है चटनी से। चटनी से सब चिकना ही निकल जाएगी है ना, जब शादियों में खाई। ये देखो यही वाली बनाई, बहुत बढ़िया है, बहुत स्वादिष्ट। ओ आज तो मामा जी पधारे, मामा राम राम। का जड़ी बूटी ले आए हैं, अभी ईंटा भी साफ कर लेते हैं। ऐसे ही एक एक दो दो घंटे टाइम निकाल के, मैंने कि जितनी भी ईंटा हमारी साफ हो जाएंगे तो बढ़िया है, वैसे टाइम तो मिल नहीं पाता है वीडियो से, तो मैंने कही और करीब जो जितनी भी हमारी ईंटा निकली थी घर में से, उसमें से हमने आधी ईंट तो साफ कर दी, आधी ही बची है। तो मेरे को लग रहा है अगर मैं अकेला भी साफ करूँगा, एक एक दो 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 घंटे करूँगा, तो करीब 6-7 दिन के अंदर कंप्लीट कर दूँगा जितनी भी ईंटा है साफ करके। अगर हम दो लोग करते हैं तो 4-5 दिन के अंदर में हो जाएंगे। अभी आज हमारी सेटरिंग को 18 दिन हो गए हैं, 18 दिन के बाद मतलब ये सबको तो नहीं खोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमको थोड़ी ज़रूरत है दूसरी साइड पे, तो इसीलिए वो जीना के जो नीचे सेटरिंग लगी हुई है बस उसी को निकाल रहे हैं, बाकी को हम नहीं निकालने देंगे अभी फ़िलहाल, इनको बाकी को निकालने देंगे 25 दिन के बाद में। दूसरी साइड पर काम चल रहा है लोगों का, इसीलिए लेके जा रहे हैं। मैंने वैसे पहले ही बोल दिया था मैं रिस्क ना रहे, बोल रहे नहीं 15 दिन में सेट हो जाती छत में से। जो जीना के नीचे बल्लियाँ लगी थी उनको निकाल के ले गए, उनको दूसरी साइड पे जरूरत पड़ी होगी तो इसलिए निकाल के ले गए। 18 दिन हो गए वैसे आज, और इंजीनियर ने बोला 21 दिन के बाद सेटरिंग को निकलवा देना, देखते हैं फिर भी 25 दिन रखेंगे, 25 दिन के बाद हटवा देंगे। और आप बताना कमेंट में सही रहेगा 25 दिन पर खुलवाना कि और रखें। और तेरे बच्चों के स्कूल में भी गए थे हम, उनका अभी फीस वगैरह देनी थी तो स्कूल में गए थे, उसमें भी कुछ हमने कम ज़्यादा किया तो करवाया, उन्होंने मान लिया, तो बस अभी पैसा नहीं पहुंचा है, लेकिन पैसा वगैरह आप व्यवस्था करेंगे कल परसों पहुंचवा देंगे। अभी बच्चे भी स्कूल से आ गए, बस खाना पीना खा रहे हैं अभी। और सोनी आज बना रही है गुजिया, तो देखो गुजिया बन रहे हैं। और इधर विवेक कुछ ड्राॅइंग वगैरह कर रहा है, और सोनी की ये देखो कितने बढ़िया बढ़िया, और इसकी फुल रेसिपी आपको मिल जाएगी सोनी विलेज लाइव यूट्यूब चैनल पे, जरूर देख लेना दोस्तों, 11:30 बजे मिल जाएगी। और जो बचा है उसमें से कुछ सांप वगैरह सी निकाल दी है, सांप ना वो मटर रही है, मटरी है वैसे ही सांप है, पहले हम इनको ही सेक लेते हैं, तो अभी मटरी को सेक लेंगे, उसके बाद गुजा सेकेंगे हमारे। और देखो अभी होली नहीं आई, होली से पहले गुजा बनने लग गए। सोए गए मामा, सोए गए, मोबाइल चला रहे काय को मोबाइल में, यहाँ टावर ना तो बढ़िया, यहाँ कम है आवता टावर।
अरे मामा जी पापा जी आज दिन भर नहीं दिखे क्योंकि वो शादी में गए थे, तो इसीलिए शादी में गए और अभी खाना पीना खा के वापस लौटे हैं, तो करीब इस समय 9 बज रहे हैं, 9 बजे के आसपास अभी लौटे हैं वापस। वैसे अब सोने जा रहे हैं वो, तो और खाना पीना जो बनाया मम्मी के लिए बनाया और हम सब के लिए बनाया सोनी ने, हम सब ने भी खा लिया है। और आप सभी के जो प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं बस उन कमेंटों को हम पढ़ रहे थे। और यहाँ पे जो वीडियो में नाम लेने के लिए फरमाइश आई है, तो यहाँ पे पहला कमेंट आया है स्नेहा और कांति जी की तरफ से, तो इनको हम सबसे पहले धन्यवाद करना चाहेंगे और थैंक यू सो मच जी। ये बोलते हैं भैया जी नेक्स्ट ब्लॉग में आप हमारे भी नाम लेना, हमारा नाम स्नेहा है और मेरी मम्मी का नाम कांति जी है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और दूसरा कमेंट दिल्ली से है और ये काजल जी है, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही हमको सपोर्ट प्यार करते रहें। और तीसरा कमेंट है ये बोलते हैं हिमांशु बहुत क्यूट है राम राम जी, तो राम राम जी सबसे पहले, और इनका नाम है बंस, तो बंस जी को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच जी, राम राम जी। और तीसरा कमेंट है ये हमारे यहाँ से ही है धौलपुर से भैया जी, ये बोलते हैं कि हिमांशु पे हमारा नाम बोलवाइए, तो अभी हिमांशु तो है नहीं, वो तो शादी में गए अपने मामा के यहाँ पे, तो फिलहाल मैं ही बोल देता हूँ। तो ये निखिल बघेल जी हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच जी। अगला कमेंट आता है ये बोलते हैं आपने तो भैया जी आज भी हमारा नाम नहीं लिया तो इसके लिए माफ़ी चाहते, लेकिन आज हम ले रहे हैं, ये है संगीता जोशी, तो इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगला कमेंट है दक्ष जी की तरफ से, थैंक यू सो मच जी, ये बोलते हैं हिमांशु बहुत अच्छा लगता है अच्छा है ही। अगला कमेंट आया है गुजरात से, ये बोलते हैं भैया जी हिमांशु से बोले नाम लेने के लिए, तो हिमांशु नहीं है वो तो अपने मामा के यहाँ गया है, अभी हम ही बोल देते हैं। तो ये है भावना जी और तुलसी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और अभी हमारे पापा जी भी घूम घूम के आए थे ना, तो उन्होंने भी थोड़ा बहुत ब्लॉग शूट किया है, तो वो क्लिपें आप देखिए, पसंद आए तो लाइक जरूर करना। देख ले कांडोल लगी जल्दी ना मिली यही अंकल जी के घर पे आए हुए हैं ढोड़े के पूरा गांव में। यहाँ पे सरसों थोड़ी लेट दिख रही है हमारे यहाँ के हिसाब से, हमारे यहाँ पे तो अभी सरसों कटने लग गई और यहाँ पे अभी हरी हरी है। और ये है गांव की पगडंडियाँ, अभी चकिया चल रही है, अनाज को पीस कर आटा निकाल रहे हैं। ये तो काड़े बाद जैसे क्या खंड नहीं आती मैं थी है बाद काट रहे पहले मैं जी मम्मी यहीं से तोड़कर लाई थी ताज़ा ताज़ा एकदम बढ़िया बैंगन और धनिया और मेथी, जो कि खाने में इतने स्वादिष्ट बने दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट। पूरा बैंगन टूट रहे हैं, अगर बैंगन टूट रहे हैं बैंगन ताज़ी ताज़ी बैंगन ताज़ी ताज़ी बैंगन अरे। और ये वाली जो सब्जियां हैं केमिकल फ्री है, जो देसी खाद से जो सब्जी होती है वही है। हाँ जी दोस्तों, तो अब बताइए कि आप सभी को आज का हमारा ब्लॉग वीडियो कैसा लगा और आज के ब्लॉग वीडियो में कौन सा पार्ट ज़्यादा पसंद आया। और आज का वीडियो हमारा आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो में, जब तक के लिए राम राम दुआ सलाम, जय हिंद वंदे मातरम।